गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? छुट्टियाँ एंजॉय की, प्रोजेक्ट का वर्क भी किया, कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है। बेटा, मैंने जो साइज़ दिया था वो साइज़ हमेशा ही मैं देती हूँ, तो वो आपको बड़ा नहीं पढ़ना चाहिए, आपका पेज छोटा होगा। ठीक है, तो आप पेज का साइज़ अपना A4 साइज़ की ड्राइंग शीट आती है, या तो आप उसको ले लीजिए, या प्रोजेक्ट फाइल में लगाने वाला जो साइंस के प्रोजेक्ट में यूज होने वाली ड्राइंग शीट आती है, लाइन वाली नहीं, ड्राइंग शीट, आप उस ड्राइंग शीट को यूज कीजिए। और सभी बच्चे उसी ड्राइंग शीट को यूज करेंगे, उसी ड्राइंग शीट पे अपनी ड्राइंग का वर्क पूरा करेंगे, और अपनी फाइल को जो है एक हार्ड फाइल, हार्डबोर्ड वाली जो फाइल आती है जो साइंस में इस्तेमाल करते हैं आप लोग, उस फाइल को यूज करेंगे। कोई भी वो प्लास्टिक वाली फाइल या कोई बैग, इस टाइप का कुछ भी यूज मत करिएगा। ठीक है, अपनी फाइल को अच्छे तरीके से कवर करके, नेम, रोल नंबर, क्लास वगैरह सब लिख करके प्रॉपर तरीके से तैयार कीजिएगा। क्लियर है? वो फाइल आपकी बोर्ड में मार्क्स जाते हैं, बोर्ड के नंबर हैं, तो प्लीज उसी हिसाब से उसको अपना वर्क रेगुलर करिएगा उसके ऊपर। क्लियर? डिजाइन आपको दोनों बनानी है, जो भी वर्क उस पर भेजा गया था वो सारा वर्क आपको करना है, वो प्रोजेक्ट का वर्क है, बोर्ड का वर्क है। ठीक है, तो आपने पिछला सारा काम कर लिया होगा। सो नेक्स्ट हम शुरू करने के पहले पीछे की बात करते हैं। पीछे हमने लोटस और गुड़हल हिबिस्कस को बना लिया था। ठीक बेटा, तो कुछ हमने शेडिंग में भी किया था, बीच बीच में मैं भी शेडिंग भी कराऊंगी। शेडिंग वर्क आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको भी हमको करना है, तो आइए हम आज का काम शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग आज पपीता बनाएंगे, ठीक है, या पपाया। हमको कोई भी शेडिंग वर्क 15 सेंटीमीटर में करना है, उससे छोटा नहीं करना है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और लंबे में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको 15 सेंटीमीटर में ही बनाना है, तो उसी के हिसाब से हम उसकी चौड़ाई को भी देखेंगे। हाथ को हल्का चलाएंगे जिससे कि हम अपना जरूरत पड़ने पर इरेज कर सकें। में कुछ हल्के से कोने से दिखते हैं, तो हम उनको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से।
हम इसको शेप करते हैं। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। फिर आप कॉटन का टुकड़ा लेकर के इसको हल्का हल्का इस तरीके से रब कर देंगे। फिर हम इसको फिनिशिंग देने के लिए एक बार लास्ट आउटलाइन इसकी कर दीजिए आप डार्क। ये हमारा बन गया पपीता। अब हम ग्रेप्स बनाएंगे।